नेताजी नेताजी चौक में रोक दिया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सभी ओर लंबी लंबी वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही है और लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। लोग मथुरा मैदान जाने के लिए अड़े हुए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में जुटी हुई है। नेताजी चौक में एक एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई है, लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जाम में एम्बुलेंस फंस गई है, खुटी के ऊपर चौक यानी खुटी के पूरे शहर की ये स्थिति अभी बनी हुई है कि एम्बुलेंस तक जाम में फंसी हुई है। आप देख सकते हैं इस एम्बुलेंस में जो है पेशेंट भी दिख रहे हैं यहाँ से साफ। हालांकि लोगों के सूझबूझ से एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर चौक से सीधे नीचे चौक होते हुए सदर हॉस्पिटल खुटी तक ये रोड जाती है, तो अब एम्बुलेंस धीरे धीरे इस भीड़ से निकल रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये खुटी से डीएबी रोड जाती है, जहां आज सहुल शोभा यात्रा वाले को जाना था, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया है। शायद इन्हें परमिशन नहीं मिला होगा, इसलिए प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। और इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये बाजार टांड से लेकर ऊपर चौक, अभी हम लोग ऊपर चौक में खड़े हैं, ऊपर चौक तक जबरदस्त जाम लगी हुई है गाड़ियों की, और सरहुल शोभा यात्रा वाले लोग उनको जिस स्थल पर जाना था वहां जाने के लिए जिद पर आ रहे हैं, और बीच रोड पर जो है नाच गान कर रहे हैं, इसलिए लंबी जाम लग गई है। आप देख सकते हैं लाइट आ रही है तो कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे चौक तक दिख रही है। मैं अब दूसरे तरफ दिखाता हूँ और इस तरह से आप देख रहे हैं चारों ओर ये ऊपर चौक के चारों ओर जाम ब्लॉक है, रोड जो है पूरी तरह से जाम है। और मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ ये डीएबी रोड जाने वाला, जहाँ सरहुल शोभा यात्रा वाले को जाना था, इस रोड में बैरिकेडिंग किया गया है। जो आप देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन की टीम और शोभा यात्रा के